तुमसे एक साल पहले हमने एक फ्लैट इंटरेक्टिव पैनल का रिव्यू किया था एंड आज हमारे पास है बिग व्यू का स्मार्ट फ्लैट इंटरेक्टिव पैनल और साथ ही साथ बिग व्यू की रोलिंग मोबाइल कार्ट है जो कि 42 इंच के टीवी या इंटरेक्टिव पैनल से लेके 86 इंच तक के इंटरेक्टिव पैनल्स को सपोर्ट करती है। ऑल्दो अगर आप इंटरेक्टिव पैनल में इंटरेस्टेड नहीं हो लेकिन टीवी के लिए एक मोबाइल या फिर रोलिंग कार्ट चाहिए थी तो वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। वेल, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। तो हमारे पास दो बॉक्स आए थे बिग व्यू की तरफ से जिसमें एक था E5 सीरीज का 75 इंच का फ्लैट इंटरेक्टिव पैनल जो कि वन ऑफ द लेटेस्ट डिजिटल बोर्ड या फिर फ्लैट इंटरेक्टिव पैनल है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। सारी गूगल एप्स आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जा रही है और अदर एप्स को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर भी है। और जो दूसरा बॉक्स था वो बिग व्यू की रोलिंग या मोबाइल कार्ट का था जिसपे डिजिटल बोर्ड माउंटेड है। तो दोनों बॉक्स डिलीवर होने के बाद बिग व्यू की इंस्टॉलेशन टीम ने हमें कॉन्टेक्ट किया, देन दो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स आए और इस पूरे सेटअप को फटाफट 1 घंटे के अंदर इंस्टॉल करके चले गए। और ये जो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस था ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मोबाइल या फिर रोलिंग कार्ट की बात करें तो ये अंडर 8000 रुपीज में आती है। इस पर आप 42 इंच से लेके 86 इंच तक के पैनल या टीवी को लगा सकते हो। 120 किलोग्राम इसका पेलोड है। मूव करने के लिए इसमें आपको 4 व्हील दिए गए हैं और चारों में ही आपको लॉकिंग फीचर देखने को मिलता है। और इस ट्रॉली का जो ओवरऑल बिल्ड है वो हाई हार्डनेस SPCC स्टील का है। एंड एक अच्छी चीज है कि इस पे कोई नॉर्मल पेंट नहीं है, कंप्लीटली पाउडर कोटेड है तो जो इसका लाइफ स्पैन है वो भी लंबा रहेगा और लुक एंड फिनिश तो प्रीमियम है ही। अब यहाँ पे आप एक ट्रे देख रहे हैं जिसपे लैपटॉप रखा है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे अपने पेंस भी रखे तो ये एक स्पेस स्टफ रखने के लिए है जो कि काफी मजबूत है। बाकी एक ट्रे यहाँ पे पीछे की साइड भी आपको देखने को मिलती है जो कि मैंने लगाई नहीं क्योंकि उसकी हाइट 75 इंच के पैनल से काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको लगाते हैं तो कुछ ऐसा लुक आता है। इस पे भी आप थोड़ा बहुत स्टफ रख सकते हो। अब आते हैं अपने 75 इंच के फ्लैट इंटरेक्टिव पैनल पे। बॉक्स के अंदर आपको एक इंटरेक्टिव पैनल मिलता है, उसके साथ एक रिमोट, 2 टच पैन, 1 पावर कोर्ड, 1 टच केबल, 1 HDMI केबल, देन एक वैसा वॉल माउंट। अगर आप कार्ट नहीं ले रहे हो तो आपको बॉक्स के अंदर ही वैसा वॉल माउंट मिल जाएगा जिसको आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। और माउंट करने के लिए सारे स्क्रू एंड फास्टनर्स इनसाइड द बॉक्स ही मिल जाते हैं। अब इसके बिल्ड क्वालिटी पे आए तो देखो मैं यहाँ पे इसको बहुत हार्डली हिट कर रहा हूँ लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रीजन इज कि स्क्रीन पे आपको 3.2mm की AG ग्लास कोटिंग मिल जाती है जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंस होने के साथ साथ इसको एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। देन अगर इसके ओवरऑल फ्रेम की बात करें तो मेटेलिक फ्रेम है, आवाज से ही पता चल रहा है ना, और पकड़ने में भी ठंडा लग रहा है। और मेटेलिक होने के बावजूद भी अल्ट्रा थिन डिजाइन में आती है, जो बेजल्स है वो भी काफी कम है। इसको इधर से उधर कैरी करने के लिए रियर पे 4 हैंडल्स मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा सॉलिड एंड प्रीमियम है। अब अगर इसके लुक्स की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो कि IR रिसीवर के साथ पावर बटन है एंड इस पैनल पे आपको सिंगल की देखने को मिलती है ये वाली, या फिर एक मैनुअल स्विच है पावर ऑन ऑफ करने के लिए जस्ट नीचे। देन यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पे 2 ग्रिल देख रहे हो जिसमें आपको 20+20 वोट के इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जा रहे हैं। सैंपल सुनो। वीडियो प्लेबैक दे देता है, which is quite impressive. और अगर आप BGMI के शौकीन हो तो जो स्पीकर्स की लाउडनेस एंड क्लैरिटी है वो बहुत बढ़िया है। आपको इसके साथ कोई एक्स्ट्रा स्पीकर्स अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन सेंटर में आपको बिग व्यू की ब्रांडिंग मिल जा रही है। और अगर आप उधर देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स है, लाइक 2 USB 3.0 पोर्ट, 1 टच पोर्ट आपके लैपटॉप के लिए, मतलब खाली लैपटॉप के लिए नहीं, अगर आप कोई डेस्कटॉप PC कुछ भी यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ से आपकी टच केबल लगेगी जो इनसाइड द बॉक्स आपको मिली है। देन यहाँ पे HDMI इन पोर्ट 1 है और USB टाइप सी पोर्ट है। इसके बाद अगर आप इसके रियर पे भी जाओगे तो यहाँ पे भी आपको एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जा रहा है, 2 USB 2.0 पोर्ट मिल रहे हैं, USB टाइप सी का भी एक पोर्ट पीछे है, देन टच पोर्ट, 1 HDMI in 2, 2 LAN पोर्ट और 1 अगेन USB 2.0 पोर्ट, यानी कि पीछे आपको 3 USB 2.0 और फ्रंट पे 2 USB 3.0। बाकी मैंने रियर पे टच एंड जो HDMI वाला पोर्ट है उसको ऑक्यूपाई कर लिया और कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप से। एंड यू कैन सी कि जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है वो आ चुकी है क्योंकि इसमें जो OPS स्लॉट है वो अभी खाली है। बाकी हमने यहाँ पे जो टच USB के साथ अपने लैपटॉप को पेयर किया है, लेट्स सी कि टच काम करती है या नहीं। एंड यू कैन सी कि कोई भी आप फोल्डर, कोई भी ऐप अगर आप ओपन करोगे, लाइक दिस PC ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम्स खुल जाएंगी एंड मतलब पूरा का पूरा डेटा आपके सामने है। नाउ अगेन होम स्क्रीन पे चलते हैं एंड अभी आपको रिफ्लेक्शन आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि यार ब्राइटनेस बहुत कम है। ब्राइटनेस कम नहीं है, मैंने 0 की हुई है। अगर मैं इसको कर देता हूँ फुल लाइक दिस तो ये इतना ज्यादा ब्राइट हो जाता है कि आंखों से तो बिल्कुल क्लियर
क्लियर दिख रहा है, बट अगर आप कैमरे पे देखोगे तो हो सकता है कि जो व्हाइट एरिया है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड लगे। अब ऐसा इसलिए कि मेरा चेहरा साफ दिखाने के लिए कैमरे की सेटिंग्स फिक्स है, तो ब्राइटनेस को कर लेते हैं बिल्कुल जीरो, एंड तब भी ये बहुत ज्यादा ब्राइट है। अब स्टार्ट करें अगर इसकी स्क्रीन से, तो यहाँ पे आपको 75 इंच का 4K पैनल मिल रहा है जिसका रिजोल्यूशन है 3840x2160 एंड ये पैनल 1.07 बिलियन कलर रिप्रोड्यूस करता है, 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो है एंड द पैनल इज जस्ट अमेजिंग। मतलब जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा लाइव लाइक है एंड कलर एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा हाई है। देन इस पैनल में जो लेटेंसी है वो ना के बराबर मिलती है विच इज 8 मिलीसेकंड एंड जो व्यूइंग एंगल्स है, क्योंकि आप इसको लोगे पढ़ाने के लिए ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो 178 डिग्री के व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार टच पैनल और डिस्प्ले के बीच में डेफिनेटली गैप होगा, तो यहाँ पे गैप नहीं है, ये जीरो बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। दैट मींस आपके ग्लास एंड जो स्क्रीन है उसके बीच में जीरो गैप है, जिसके साथ आपका जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा सीमलेस और फ्लुएंट रहता है। देन यहाँ पे जो टच एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब आपकी जिस टाइप की राइटिंग है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से पोर्ट्रे होने वाली है। और ये पैनल 40 पॉइंट साइमल्टेनियसली टच इंटरेक्शन के साथ आता है, दैट मींस अगर आप एक साथ 40 पॉइंट्स को टच करते हो तो वो 40 के 40 काम करेंगे। देन यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एप्स देखने को मिल जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ द बॉक्स ये एंड्रॉइड 14 के साथ आता है एंड इस बार सारी की सारी जो गूगल की एप्स है वो प्री इंस्टॉल्ड है, प्ले स्टोर मिल जा रहा है। इवन यहाँ पे हमने BGMI भी डाउनलोड करके इस पे प्ले करके देखा एंड इसका जो हार्डवेयर है लाइक यहाँ पे कोर्टेक्स A73 क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जा रहा है विद 1.5 GHz 8GB रैम है, 128GB की स्टोरेज है एंड इंटरेक्टिव पैनल BGMI गेमिंग के लिए नहीं होते, वो सिर्फ मैंने इसलिए प्ले करके देखा कि यहाँ पे जो प्रोसेसर रैम एंड रोम दिया है वो कितने लोड को बियर कर सकता है। एंड दिस पैनल इज मच कैपेबल क्योंकि इसके अंदर आपको सेकंड हाई परफॉर्मेंस एंड्रॉइड मॉड्यूल देखने को मिलता है जो कि आपकी सारी की सारी एंड्रॉइड एप्स को रन करेगा। बाकी अगर एप लिस्ट के अंदर चले तो यहाँ पे काफी सारी एप्स और भी है। अब देखो दो चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, पहली चीज OTA अपडेट्स, इस पे आपको OTA अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। दूसरा है स्क्रीन मिररिंग, आप कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन या लैपटॉप को वायरलेसली मिरर कर सकते हो एंड जो वीडियो सिंक्रोनाइजेशन है वो भी वन क्लिक में हो जाता है। देन PC कास्टिंग इंप्लीमेंट ऑडियो है और एक क्लिक में ही वीडियो सिंक्रोनाइज भी हो जाती है। देन इस डिजिटल बोर्ड का जो असली जादू है वो है इसके V-Rite वर्सेटाइल पेन्स में, जिसके लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड ऐप दिया है विच इज व्हाइट बोर्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था जहां पे मैंने आपको 40 मल्टी टच पॉइंट वाला जो डेमो है वो करके दिखाया। बाकी यहाँ पे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं लाइक पेन की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड कलर, इरेजर यहाँ से सेलेक्ट करके आप इस तरीके से सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर सकते हो, सिलेक्शन टूल ले सकते हो, मल्टी और सिंगल पॉइंट टच को स्विच कर सकते हो, पूरी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, रीडू, टूल्स में जाओगे तो काफी सारे टूल्स है लाइक आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो, पजल बैग ले सकते हो, वेब ब्राउजर ओपन कर लोगे एंड ये सारी चीजें अभी आप देख सकते हो कि इतने सारे फीचर्स हैं। अब अगर मल्टीपल लोग इस पे काम करना चाहते हैं तो ये वाला फीचर एक्सेस करके स्प्लिट स्क्रीन आप यूज कर सकते हो। अब यू कैन सी कि अगर मैं इधर लिखूंगा तो मैं इधर नहीं आ सकता और इधर लिखूंगा तो मैं उधर नहीं जा सकता, तो स्क्रीन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है, दो यूजर एक साथ काम कर सकते हैं एंड दोनों का जो टूल बार है वो अपनी अपनी स्क्रीन पे सेपरेट होगा, ऐसा नहीं कि मैं उस पे जाके इधर का सेट करूंगा, नहीं सब एक जगह है। यहाँ पे जो एड वाली की है इस पे प्रेस करते ही जो पेज है वो एड हो जाते हैं और हमने बहुत स्प्लिट स्क्रीन खेल लिया, अब एग्जिट करते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने एग्जिट किया एक नई विंडो ओपन हुई कि जो आपने काम किया है उसको आप सेव करना चाहते हो, किस फॉर्म में करना चाहते हो, किस नाम से और कहां पे, तो मैं नहीं करना, एग्जिट। बाकी कॉर्नर में आप जो मेन्यू देख रहे हो अगर इस पे हम टैप करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं लाइक जो काम आपने किया है आप उसको ईमेल की तरह सेंड कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अब मुझे चाहिए हिंदी वाली लाइन है तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा और ये मेरा पूरा बोर्ड बन गया हिंदी वाला, मैथ वाला ये हो गया, बास्केटबॉल या फुटबॉल का कोर्ट है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिल जा रहे हैं एंड अगर आप शेयर करना चाहते हो तो सिंपली बाई QR कोड के साथ शेयर कर सकते हो। और व्हाइट बोर्ड ऐप में ना अनगिनत फीचर है, मतलब कोई कमी नहीं है, आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी चीजें इसमें मिलती जाती है और एक डिजिटल बोर्ड में आपको जितने भी फीचर्स चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए वो सारे के सारे इसके अंदर है। अब अगर कुछ और फीचर्स की बात करें, इसमें आपको यूनिवर्सल प्लगेबल OPS स्लॉट मिल जाता है, तो अगर आपके पास लैपटॉप PC है मैं रिकमेंड करूंगा कि HDMI एंड टच केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर लो, जिसका एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त एंड सीमलेस रहता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टच है वो प्रॉपर काम कर रही है और अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो जो आपकी ऑप्शंस विंडो है वो ओपन हो जाती है एंड यही सेम काम आपको OPS करेगा। बस फर्क इतना रहेगा कि OPS हमेशा इसी में प्लग्ड रहेगा, आपको बार बार HDMI और टच केबल से अपने लैपटॉप या PC को कनेक्ट नहीं करना होगा। बट हाँ इसके अंदर यूनिवर्सल पोर्ट है, आप कोई भी OPS अगर लगाना चाहते हो तो इसके अंदर लगा सकते हो। इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको Wi-Fi 6 के साथ डुअल बैंड Wi-Fi भी मिलता है, ऑडियो रीरूट अगर आप करना चाहते हो स्पीकर्स पे या होम थिएटर सिस्टम पे तो आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है और अगर कभी कभार का आप YouTube या
या कोई भी ऐप इस पे एंजॉय करना चाहते हो तो जो ये रिमोट है वो आपका काम बहुत आसान कर देता है। बाकी काफी सारे फीचर्स आपको रिमोट के अंदर भी मिल जाते हैं, लाइक कैमरा बटन से आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ्रीज बटन से स्क्रीन को फ्रीज कर सकते हो, उसके बाद आप टच करते रहो ये काम नहीं करेगा। होम बटन से हम डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आ गए, ओपीएस से आप ओपीएस में जा सकते हो, राइट नाउ ओपीएस प्लग्ड इन नहीं है, नहीं चलने वाला। इनपुट कीज से आपके सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो आ जाते हैं, लाइक HDMI 2 पे अभी लैपटॉप कनेक्टेड है और एंड्रॉइड है यहाँ पे, तो मैं अगर जाता हूँ HDMI 2 पे तो मेरा जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो आ जाएगी। वॉल्यूम अप डाउन एंड म्यूट, और जो इसके अंदर व्हाइट बोर्ड ऐप है उसका भी डेडिकेटेड की रिमोट पे दिया है। बाकी एक चीज आपको और बतानी थी कि जो यहाँ पे वी राइट पेन है ये दोनों साइड से काम करता है। ट्रेडिशनली हम जैसे पकड़ते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से, और अगर हम पीछे से पकड़ेंगे तो वो भी। एंड इसके वी राइट पेन के बारे में एक चीज और बतानी थी, हियर यू कैन सी कि हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब अगर आप सॉफ्टली राइट करोगे तो ब्लू आएगा, लेकिन अगर मैं इसको हार्डली प्रेस करूंगा तो ये व्हाइट हो जाएगा। दिस थिंग यू कैन सी हियर, तो ये बहुत तगड़े पेन है। और जो ऊपर यहाँ पे इरेजर टाइप दिया है इससे भी आप राइट हैंड इरेज कर सकते हो, फीचर ही फीचर है इसके अंदर। मैंने कहा था ना कि जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी ज्यादा चीजें मिलती जाएंगी, तो वही है। अब दो क्वेश्चन बड़े जनरली रहते हैं कि इसको कितने घंटे तक लगातार यूज कर सकते हो, तो 16 आवर रनिंग टाइम है कंटिन्यूअसली, और इसका जो पावर कंजप्शन है वो 300 वोल्ट है, विच इज फेयर इनफ एक इंटरेक्टिव पैनल को देखते हुए, क्योंकि इसके अंदर 75 इंच का 4K डिस्प्ले है, टच पैनल है, सेकंड हाई परफॉर्मेंस एंड्रॉइड मॉड्यूल है, और 40 वोल्ट के स्पीकर है, तो इतना वो बनता है। तो अगर आप एक डिजिटल बोर्ड परचेज करने का सोच रहे थे फॉर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या खुद की कोई कोचिंग क्लास भी चलाते हो, देन दिस पैनल इज वन ऑफ द बेस्ट एंड लेटेस्ट इन द मार्केट, जिसको आप ले सकते हो वो भी बहुत अच्छी प्राइसिंग पे। राइट नाउ 75 इंच का पैनल अंडर 1 लाख रुपीज के आ रहा है, जिसका अमेजोन परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही साथ जो ये मोबाइल या फिर रोलिंग कार्ट है इसका भी, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग बिग व्यू E5 सीरीज के 75 इंच के डिजिटल बोर्ड का, जिसमें हमने बिग व्यू की रोलिंग या फिर मोबाइल कार्ड को भी इंक्लूड किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।